हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डायगोनल स्केल टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम डायगोनल स्केल का 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले हमने ऑलरेडी डायगोनल स्केल के 4 प्रॉब्लम्स लिए थे और हमने प्लेन स्केल के भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लिए थे। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट से नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके पहले कवर किए थे। अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें डायगोनल स्केल का 5th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ अ डायगोनल स्केल ऑफ RF 1/32 टू शो यार्ड्स, फीट एंड इंचेस एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 4 यार्ड। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो यहाँ पे RF का वैल्यू दिया हुआ है 1/32। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको RF पता होना चाहिए। RF माने रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। RF अगर नहीं दिया है तो आपको RF फाइंड आउट करना होता है। RF फाइंड आउट करने का फार्मूला है RF इज इक्वल टू लेंथ यूज इन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूले से आप RF निकाल सकते हैं। लेकिन RF अगर दिया हुआ है तो आपको RF फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे RF दिया हुआ है 1/32। तो पहली चीज आपको RF निकालना होता है, सेकंड चीज आपको यूनिट टू बी शोन लिखना है, थर्ड चीज मैक्सिमम लेंथ लिखना है और फोर्थ होता है लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करना। तो ये 4 स्टेप्स से ही आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए ये सभी स्टेप्स पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम RF लिख लेंगे। तो यहाँ पे RF हो गया, RF रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो कि दिया है 1/32। सेकंड होता है यूनिट टू बी शोन, तो हम लिखेंगे यूनिट टू बी शोन। इसका मतलब पर्टिकुलर स्केल के ऊपर आपको क्या क्या शो करना है। तो हमें यार्ड, फीट और इंचेस शो करना है। तो हम यहां लिखेंगे 1 yard, 1 feet और 1 inch। तो हमें ये है यूनिट टू बी शोन। देन हमें थर्ड है मैक्सिमम लेंथ, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम लेंथ। इसका मतलब जो आप स्केल ड्रॉ कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितना लेंथ मेजर कर रहा है, तो वो हमें लिखना है मैक्सिमम लेंथ। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा था कि लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 4 यार्ड, तो हम लिखेंगे 4 यार्ड्स। तो ये हो गया मैक्सिमम लेंथ। और लास्ट होता है लेंथ ऑफ स्केल जो कि फाइंड आउट करना होता है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करना पड़ता है। लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करने का फार्मूला है RF इनटू मैक्सिमम लेंथ। तो RF दिया है 1/32 और मैक्सिमम लेंथ है 4 यार्ड। अब ये मैक्सिमम लेंथ जो है वो 4 यार्ड है, जबकि हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो सेंटीमीटर में ड्रॉ कर रहे हैं या हम इंचेस में ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये यार्ड्स को कन्वर्ट करेंगे, या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या तो इंचेस में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करना है ये चॉइस आपका है। वैसे यार्ड से रिलेटेड आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। 1 yard इज इक्वल टू 3 feet होता है। ये रिलेशन बहुत ही सिंपल है, 1 yard इज इक्वल टू 3 feet होता है। और एक रिलेशन बताते हैं, 1 feet इक्वल्स टू 12 inches होता है। तो अगर आप इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि सेंटीमीटर काफ़ी ज़्यादा बनेगा। तो हम यहाँ पे इंचेस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/32 इंटू यहाँ पे 4, इसके बाद यार्ड लिखा है, तो 1 yard माने 3 feet होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 feet, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 1/32 इंटू 4 इंटू 3 इंटू ये जो फीट है, 1 feet माने 12 inches होता है, तो यहाँ फीट के जगह हम यहाँ लिखेंगे 12 inches। तो इसको हमें सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आता है, देखिए यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 12 करेंगे तो ये आंसर हो गया 144। और ये 144 को अगर आप 32 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 4.5 inch। इसका मतलब 4.5 inches का हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल लेके पूरा स्केल ड्रॉ करना है।
तो स्केल का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो हमें फोर डाटा लिखना होता है वो हमने यहाँ लिख लिया है। तो पहला हमने लिखे है डाटा, दैट इज आर एफ, आर एफ 1/32, आर एफ का वैल्यू दिया हुआ था इसलिए हमने सीधा लिख लिया 1/32। देन होता है यूनिट टू बी शोन, यूनिट टू बी शोन मतलब आप जो स्केल ड्रॉ कर रहे हैं उसमें आपको पर्टिकुलर क्या क्या शो करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा था ड्रॉ अ डायगोनल स्केल ऑफ आर एफ 1/32 टू शो यार्ड, फीट एंड इंच, इसका मतलब हमें यहाँ पे यार्ड, फीट और इंच यहाँ पे शो करना है इसलिए हमने यूनिट टू बी शोन लिखे। देन हमने मैक्सिमम लेंथ लिखे 4 yards, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 4 yards, इसका मतलब मैक्सिमम लेंथ मतलब जो आप स्केल ड्रॉ कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितना लेंथ मेजर कर सकता है, तो यहाँ पे 4 yards इतना मैक्सिमम लेंथ मेजर कर सकता है स्केल। तो मैक्सिमम लेंथ के बाद हमने लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट किए, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, तो जो आर एफ दिया हुआ था वो हमने यहाँ लिख लिए और मैक्सिमम लेंथ हमने 4 yards लिखे। और हम तो सेंटीमीटर या इंचेस में ड्रॉ करते हैं इसलिए हमें सेंटीमीटर या इंचेस में कन्वर्ट करना होता है, तो हमने इंचेस में कन्वर्ट किए और इसके लिए हमने रिलेशन क्या यूज़ किए, देखिए 1 yard इज इक्वल टू 3 feet होता है और 1 feet इज इक्वल टू 12 inches होता है, ये स्टैंडर्ड है। तो हमने क्या किए यहाँ पे 4 yards, तो यहाँ पे जहाँ पे yards लिखा था yard की जगह हमने 3 feet लिखे, क्योंकि 1 yard माने 3 feet होता है, तो देखिए 1 yard की जगह 3 feet आ गया। और यहाँ पे 1 feet माने 12 inches होता है इसलिए हमने 1 feet की जगह यहाँ पे 12 inches लिखे। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन क्या बनेगा, 4 × 3 × 12, तो ये कम्प्लीट होता है 144, और 144 को अगर आप 32 से डिवाइड करते हैं तो आता है 4.5 inches। तो ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। तो फाइनली 4.5 inches ये अपना लेंथ ऑफ स्केल आ गया, इसका मतलब जो हमें डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है वो 4.5 inches का ड्रॉ करना है। तो आइए फाइनली डायगोनल स्केल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 4.5 inches का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 4.5 inches, जो स्केल आपके पास होता है उसमें आपको इंचेस प्रॉपरली आपको दिखते हैं तो आप उसी का यूज़ करके ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हमने 4.5 इंचेस का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है और अब इसके दोनों साइड से 5 सेंटीमीटर की आप हाइट चढ़ा के उसका एक बॉक्स कंप्लीट कर लो। तो ये देखिए 4.5 इंचेस बाय 5 सेंटीमीटर का ये हमने एक बॉक्स बना लिए और अब ये बॉक्स को हमें डिवाइड करना है। तो हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम इसको 4 parts में डिवाइड करेंगे, इस स्केल को हमें 4 parts में डिवाइड करना है। कैसे समझ में आएगा कि कितने पार्ट में डिवाइड करना है, उसके लिए मैक्सिमम लेंथ को चेक करो। देखिए मैक्सिमम लेंथ 4 yards है, इसका मतलब हमें मैक्सिमम 4 yards इतना लेंथ मेजर कर सके ऐसा स्केल ड्रॉ करना है, तो हम इसको 4 parts में डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 4 parts में डिवाइड करेंगे तो हर एक बॉक्स जो है वो 1 yard का बन जाएगा। तो आइए इसको 4 parts में डिवाइड करेंगे, ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 4.5 inches इतना लेंथ है उसका बेस, तो ये डायरेक्टली 4 parts में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम काम करेंगे यहाँ पे एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे और वो इंक्लाइंड लाइन को हम 4 parts में डिवाइड करेंगे, देन उसके पार्ट्स उसके ऊपर पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये 4 parts में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इंक्लाइंड लाइन बनाएंगे 8 centimeter का, हम यहाँ 8 centimeter का लाइन बनाएंगे। आप चाहे तो 4 centimeter का लाइन बनाओ या तो 8 centimeter का लाइन बनाओ, चॉइस आपकी है। तो फिलहाल हम यहाँ पे 8 centimeter का इंक्लाइंड लाइन बनाएंगे, कितने भी डिग्री एंगल से बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो 8 centimeter की लाइन को 4 parts में डिवाइड करो, देन आफ्टर उसके पार्ट्स पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे इसको डिवाइड करो। तो आइए ड्रॉ करते हैं, 8 centimeter का इंक्लाइंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ये 8 centimeter की लाइन को 4 parts में डिवाइड करने के लिए 2 centimeter का एक पार्ट लेंगे। तो हम यहाँ पे 2 centimeter के पार्ट्स ले लेंगे, तो ये हम ले लेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट लेंगे इधर। और अब क्या करेंगे, देखिए हमने 4 parts में डिवाइड कर लिया है, ये जो लास्ट पार्ट है इसको आप ये लास्ट एंड को ज्वाइन करो और देन उसको पैरेलल चलने दो। तो ये हम लास्ट पार्ट को सबसे पहले ज्वाइन करेंगे लास्ट एंड के साथ, तो ये देखिए लास्ट पार्ट को हमने ज्वाइन कर लिए और अब इसी को पैरेलल चलने देंगे, तो रिमेनिंग सभी पार्ट्स उसको पैरेलल आना चाहिए, क्योंकि और पैरेलल ड्रॉ करने के लिए आप या तो रोलर स्केल का यूज़ करो या तो मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करो, आप चाहे तो सेट स्केयर का यूज़ भी कर सकते हैं, चॉइस आपका है, लेकिन ये पैरेलल ही आना चाहिए। तो ये देखिए ये हमने इंक्लाइंड लाइन को 4 parts में डिवाइड किए और इसके पार्ट्स हमने उसके ऊपर पैरेलली शिफ्ट किए, तो ये देखिए फाइनली ये जो स्केल है हमारा ये 4 parts में डिवाइड हो चुका है और यहाँ पे जितने भी पार्ट्स आपने लिए हैं सभी पार्ट से अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमें 1 yard के 4 parts मिल जाएंगे।
और अब हम यहाँ लिख लेंगे, तो ये है ज़ीरो। फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में आपको ज़ीरो लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे काउंटिंग करना है। तो ये है 1 yard, देन ये है 2 yard, देन ये 3 yard और इधर है लास्ट में 4 yard। या आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे 4 yard का स्केल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जीरो के बाद ये 1 yard, ये 2 yard, ये 3 yard और ये 4 yard। तो फाइनली जो हम स्केल ड्रॉ कर रहे हैं उसमें 1 yard के हमने 4 box यहाँ पे शो कर लिया है और यूनिट टू बी शोन के अकॉर्डिंग जो 1 yard शो करना था ये हमने शो कर लिया है। और अब हमें 1 feet यहाँ पे शो करना है। तो 1 feet कैसे शो करेंगे? तो 1 feet शो करने के लिए हमें जो रिलेशन हमने आपको बताए थे उसका यूज करेंगे। रिलेशन बताए थे 1 yard = 3 feet। ये देखिए रिलेशन आपके सामने है, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखे थे 1 yard = 3 feet। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 yard के बॉक्स को 3 parts में डिवाइड करेंगे, 3 parts में डिवाइड करेंगे, तो हर एक पार्ट जो है वो 1 feet का होगा। तो देखिए यहाँ पे हम 1 yard के बॉक्स को 3 parts में डिवाइड करेंगे। अभी हमने यहाँ पे जो कुछ भी ड्रॉ किया है, यहाँ पे फिलहाल हमें 1 yard के यहाँ पे बॉक्स मिल चुके हैं। इट मीन्स ये जो पहला बॉक्स है, ये देखिए ये जो पहला बॉक्स है, ये पहला बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 1 yard। ये पहला बॉक्स जो है वो 1 yard रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे ही बॉक्स 1 yard रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ये पहले बॉक्स को डिवाइड करना है। पहला बॉक्स जो कि 1 yard रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें इसको 3 parts में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 1 feet यहाँ पे शो करना है। तो 3 parts में डिवाइड करने के बाद हर एक पार्ट 1 feet का होगा। तो आइए इसको डिवाइड करेंगे। तो ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका लेंथ जो है वो स्केल से डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे भी हम इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे और 3 parts में डिवाइड करेंगे। तो 3 parts में डिवाइड करने के लिए एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करो, 3 centimeter का इंक्लाइंड लाइन लेंगे और वो 3 centimeter के लाइन को 3 parts में डिवाइड करके फिर उसके पार्ट इसके ऊपर पैरेलली शिफ्ट करेंगे, तब ये डिवाइड होगा। तो आइए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे 3 centimeter का इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए 3 centimeter का इंक्लाइंड लाइन, तो ये हमने बना दिए 3 centimeter का इंक्लाइंड लाइन। और ये 3 centimeter की लाइन को हम 3 parts में डिवाइड करेंगे, 1 centimeter का एक पार्ट। तो ये हम यहाँ पे 1 centimeter का एक पार्ट लेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट, देन ये सेकंड पार्ट और वो थर्ड पार्ट देखिए। और अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट पार्ट है इसको आप सबसे पहले ये एंड से ज्वाइन करेंगे और हम यहाँ पे सभी पार्ट्स उसको पैरेलल चलने देंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट को हमने पैरेलल ड्रॉ यहाँ ज्वाइन कर दिए और सभी पार्ट्स उसको पैरेलल चलने देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये ऊपर का ये जो पूरा बॉक्स है, ये बॉक्स में सबसे ऊपर का जो एज है ये हमने 3 parts में डिवाइड कर लिया। ये हमने ऊपर क्यों डिवाइड किए, चॉइस आपकी थी। आप चाहे तो ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं या तो नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमने नीचे यहाँ ऑलरेडी ये डिवाइड किए थे, इसलिए हमने नीचे के बजाय ऊपर डिवाइड किए। तो फाइनली हमने डिवाइड कर लिए और ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स आपको मिले, यही पॉइंट्स आपको नीचे मार्क करना है। तो ये पॉइंट नीचे मार्क करना आसान है, तो रोलर्स के लिए इसको ऐसा पैरेलल ले लो, ये वर्टिकल लाइन को पैरेलल ले लो और ऊपर के पार्ट्स आप नीचे ऐसा मार्क कर सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर का पार्ट नीचे आ गया, यहाँ पे भी ये ऊपर का पार्ट जो है ये नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए ये आ गया, ये देखिए ऊपर का पार्ट यहाँ नीचे आ गया, यहाँ पे भी ऊपर का पार्ट नीचे आ गया। तो फाइनली ये 1 yard का ये जो बॉक्स है इसको हमने 3 parts में डिवाइड कर लिए और अब हम यहाँ नंबरिंग दे देंगे। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ पे आपको फीट मिल जाएगा। तो ये हम लिखेंगे, यहाँ 0 है यहाँ ऑलरेडी, ये है 1 feet, देन यहाँ पे हम लिखेंगे ये हो जाएगा 2 feet, तो ये हो गया 2 feet और इधर है ये 3 feet। तो फाइनली जो 1 yard का फर्स्ट बॉक्स था इसको हमने 3 parts में डिवाइड कर लिए। तो हमें 1 feet के पार्ट्स तो मिल गए, लेकिन अब यहाँ पे पार्ट्स हमें शो करना है। तो शो करने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे के पार्ट्स ऊपर के पार्ट्स से डायगोनली ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप डायगोनल स्केल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल स्केल में आपको हमेशा डायगोनली ज्वाइन करना होता है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो 0th number का पार्ट है, देखिए ये जो 0th number का पार्ट है ये ऊपर के फर्स्ट पार्ट से ज्वाइन करो, ठीक है। देन नीचे का 1st number का पार्ट ऊपर के 2nd number के पार्ट से ज्वाइन करो, देन नीचे का 2nd number का पार्ट ऊपर के 3rd number के पार्ट से ज्वाइन करो। तो इस तरह से करना है। तो ये देखिए 0th number का पार्ट 1st part से हम ज्वाइन करेंगे, नीचे का पार्ट ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं और डायगोनली। ये देखिए ये हमने 0th number का पार्ट 1st part से ऊपर ज्वाइन कर लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किए और ये 1st part से ज्वाइंट हो गया। अब ये देखिए नीचे का 1st part ऊपर के 2nd part से आपको ज्वाइन करना है डायगोनली, क्योंकि डायगोनल स्केल आप ड्रॉ कर रहे हैं तो डायगोनल स्केल में हमेशा डायगोनली ज्वाइन करना होता है। ये देखिए और अब 2nd part 3rd part से हम ज्वाइन करेंगे। तो फाइनली हमें यहाँ पे 1 feet मिल चुका है। ये देखिए 1 feet, ये 2 feet, ये 3 feet। तो 1 yard के बॉक्स को हमने 3 parts में डिवाइड कर लिए,
तो हमें 1 फिट मिल गया। और अब हमें यूनिट टू बी शोन में हमें 1 यार्ड पहले मिल चुका था, अब हमें 1 फिट भी मिल गया, अब हमें 1 इंच, ये देखिए अब हमें ये 1 इंच शो करना है। तो 1 इंच कैसे शो करेंगे, तो 1 इंच शो करने के लिए भी हमने रिलेशन बताए थे। देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन हमने यहाँ बताए थे कि 1 फिट इज इक्वल टू 12 इंचेस होता है। 1 फिट इज इक्वल टू 12 इंचेस, इट मीन्स अगर आप 1 फिट को 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 1 इंचेस आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमें 1 1 फिट के यहाँ पे बॉक्स मिल चुके थे, ये देखिए ये 1 फिट 1 फिट 1 फिट। तो हमें क्या करना है, ये 1 फिट के लाइन को हमें 12 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर आप 1 फीट को 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें 12 इंचेस माने 1 1 इंच के हमें 12 पार्ट से यहां मिल जाएंगे। तो चलिए इसको 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये लाइन को अगर आपको 12 पार्ट में डिवाइड करना है तो ये डायरेक्टली 12 पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जब आपने बॉक्स बनाए थे तो ये आपने टोटल बेस बनाए थे 4.5 इंच और ये बॉक्स का हाइट लिए थे 5 सेंटीमीटर, मतलब ये बॉक्स का हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर को आप मैक्सिमम 10 पार्ट में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग स्केल, लेकिन हमें 10 पार्ट्स में नहीं, हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमें 10 में नहीं, हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो ये डायरेक्टली 12 पार्ट्स में बाय यूजिंग स्केल डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां भी एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे और वो इंक्लाइंड लाइन का यूज करके डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हम एक 6 सेंटीमीटर का इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए हम एक यहां पे 6 सेंटीमीटर का इंक्लाइंड लाइन, ये हमने देखिए 6 सेंटीमीटर का इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ किया, कितने भी डिग्री एंगल से बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने 6 सेंटीमीटर का इंक्लाइन लाइन बनाया और ये 6 सेंटीमीटर के लाइन को आप ये 12 पार्ट में डिवाइड करो। तो ये देखिए हमने 6 सेंटीमीटर का लाइन बना दिए और अब इसको हम 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये देखिए फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये 8th, ये 9th, ये 10th, ये 11th और ये 12th। तो ये देखिए ये हमने एक 6 सेंटीमीटर का इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की और ये 6 सेंटीमीटर के इंक्लाइन लाइन को हमने 12 पार्ट में डिवाइड कर लिए। 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने क्या किए, 5 5 mm का एक पार्ट लिए, इट मीन्स हाफ सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पे 12 पार्ट्स ले लिए और अब हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आप पहले ये ऊपर के एंड से ज्वाइन करेंगे और बाकी रिमेनिंग सभी पार्ट जो है वो उसको पैरेलल चलने देंगे। तो ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट हमने ज्वाइन कर लिए और अब सभी पार्ट्स उसको पैरेलल चलने देंगे। ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट ज्वाइन कर लिए और अब सभी पार्ट्स ऊपर से नीचे तक आप उसको पैरेलल चलने देंगे। तो उससे क्या होगा, जो हाइट है हमारा वो 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जो बॉक्स का हाइट है वो 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली हमने वर्टिकली 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो देखिए 12 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमें 1 1 इंचेस के यहाँ पे 12 पार्ट्स मिल चुके हैं। अब हम यहाँ नंबरिंग दे देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 1 इंच, ये 2 इंच, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2, ये हम लिख लेंगे यहाँ 2 इंच, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4 इंच, तो यहाँ लिखो 4 5, ये 6 इंच, 7, ये 8 इंच, ये देखिए 9, ये 10 इंच, आप एक एक पार्ट छोड़ के हम लिख रहे हैं 11, देन ये 12 इंच। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए ये 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच और ये 12 इंच। तो इस तरह से हमने ये 12 इंचेस यहाँ पे शो किए हैं। अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो स्केल है ये स्केल से हमें क्या क्या मिल रहा है। तो हमें इधर मिल रहे यार्ड्स, क्योंकि हमने 4 यार्ड मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे मेजर करना था, तो इधर हमें यार्ड्स मिल रहा है। तो हम यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे हम यार्ड लिखेंगे। हमें यहाँ पे फीट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे फीट लिखेंगे। और यहाँ पे हमें इंचेस मिल रहा है, तो यहाँ पे वर्टिकली हम 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे इंचेस लिखेंगे। तो इधर यार्ड लिखो, इधर फीट लिखो, यहाँ पे इंचेस लिखो और बीच में आरएफ लिखो। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखने के लिए जो 2 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना होता है वो हमने ड्रॉ कर लिए और अब इनके बीच में हम लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। और इतना होने पर अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इंचेस हमें मिल चुके हैं सभी इंचेस से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइंस आप पूरे लास्ट तक, पूरा अंत तक ड्रॉ करो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा लास्ट तक। तो आइए ड्रॉ करते हैं।
तो फाइनली जो हमें डायगोनल स्केल ड्रॉ करना था वो हमने ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे के जो पार्ट्स है ये एक्चुअली थोड़ा सा लेंथ यहाँ पे कम हो गया क्योंकि हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हम फेयर वर्क नहीं बना रहे। आप जब ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो वो करेक्ट बनेगा, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि इस तरह से हमने यहाँ पे 12 पार्ट्स से सभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंथ मेजर करेंगे। हम लेंथ मेजर करेंगे 1 yard 2 feet 7 inches, 1 yard 2 feet 7 inches, ये हमें लेंथ यहाँ पे मेजर करना है और शो करना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 yard, हम यहाँ पे 1 yard 2 feet और 7 inches ये हमें शो करना है। तो अगर हमें ये शो करना है लेंथ, तो ये कैसे शो करेंगे, देखिए 1 yard 2 feet 7 inches, तो ये 1 yard अलग शो करो, 2 feet अलग शो करो और 7 inches अलग शो करो। अब ये कहाँ शो करना है ये भी आपको पता है, 1 yard जो है ये आपको जीरो के राइट साइड में आपको यार्ड लेना है। देन ये 2 feet जो है वो जीरो के लेफ्ट साइड में आपको लेना है क्योंकि लेफ्ट साइड में फीट है। और 7 inches जो है इधर आपको वर्टिकली लेना है। तो आइए लेते हैं, तो सबसे पहले 1 yard, तो देखिए जीरो के राइट साइड में ये है 1 yard की लाइन, देखिए ये है 1 yard की लाइन। देन 2 feet कहाँ है, देखिए जीरो के लेफ्ट साइड में 2 feet, देखिए ये 1 feet, ये 2 feet, तो ये है 2 feet। और 7 inches यहाँ से आप 7 inches यहाँ से काउंट करो, तो ये 1 inch 2 inch 3 inch 4 inch 5 inch 6 inch और ये 7 inch, तो ये देखिए ये 7 inch यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया, इसको मार्क करो। और यहाँ पे 1 yard पे उसी लाइन पे हम यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे और ये लेंथ हो गया 1 yard 2 feet 7 inches। और इसको हम यहाँ शो करेंगे और इसके ऊपर हम लिखेंगे जो इसका लेंथ है। तो ये देखिए, और हम इसके ऊपर लिख लेंगे 1 yard 2 feet 7 inches। तो यहाँ पे हम पहले जगह बना लेते हैं और अब हम यहाँ लिखेंगे। तो फाइनली आज के लेक्चर में जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताए थे उसके अकॉर्डिंग ये उसका सॉल्यूशन बनेगा। क्वेश्चन में लिखा था कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ RF 1/32 टू शो यार्ड फीट एंड इंचेस। तो ये देखिए यहाँ पे हम इधर यार्ड शो कर रहे हैं, इधर फीट शो कर रहे हैं और इधर इंचेस शो कर रहे हैं। और क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 4 yard, इसका मतलब मैक्सिमम 4 yard तक का लेंथ मेजर कर सके ऐसा एक स्केल ड्रॉ करो। तो ये देखिए ये जो स्केल है ये मैक्सिमम 4 yard तक का लेंथ यहाँ पे मेजर कर सकता है और उसमें हमने एक लेंथ भी मेजर किए हैं 1 yard 2 feet 7 inches। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो लेंथ है ये है 1 yard 2 feet 7 inches। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये हो गया डायगोनल स्केल का आज का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले हमने ऑलरेडी डायगोनल स्केल के 4 प्रॉब्लम लिए थे, प्लेन स्केल के भी हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लिए थे और भी नंबर ऑफ टॉपिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स से रिलेटेड हमने इसके पहले कवर किए थे। अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।